हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, काफी अंतराल के बाद हम लोग अपने एससी हार्डवीक सीरीज की ओर वापस लौटते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एससी हार्डवीक वॉल्यूम 5 और वॉल्यूम 5 के लेसन 1 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस के प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 के आपको सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। अभी वॉल्यूम 4 छोड़ करके अभी हम लोग वॉल्यूम 5 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग वॉल्यूम 4 की ओर लौटेंगे। तो आज की इस वीडियो सेशन में जो वर्ड्स मिलेंगे वो काफी दमदार वर्ड्स होंगे, मतलब ये वर्ड्स जो होंगे काफी मेच्योर वर्ड्स हैं और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज आप पहली बार बहुत सारे वर्ड्स को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है ना, एलिमेंट्री अकेले नहीं आता, साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एलिमेंट्री आते हैं कैनाल के साथ, मतलब एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। एलिमेंट्री का प्रयोग जो होता है ना वो अकेले नहीं होता है, होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसको हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एकदम नीचे तक रहता है, ठीक है ना, इसको आहार नाल कहते हैं। यानी कि एलिमेंट्री का यूज हम जब भी करेंगे तो कैनाल के साथ लेकर करेंगे। चलिए एक वाक्य दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पर, एक वाक्य नजर आ रहा होगा जिसमें कि हम वर्ड का कैसे यूज करें ये बताया गया है। देखिए, केवल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ लेने से बात नहीं बनेगा, आपके आपको वर्ड्स को गहराई से समझना होगा, वर्ड्स का यूज कैसे होता है, मेन यूज होना चाहिए, ठीक है ना, आपको यूज समझ में आना चाहिए। साइनोएंटो तो आप पढ़ेंगे भूलेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उस वर्ड का कैसे यूज होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए, कह रहे कि पूर्ण पाचन से पहले, ठीक है ना, भोजन आहार नाल से होकर गुजरता है। जैसे हम सभी जानते हैं पाचन होने से पहले तो भोजन को आहार नाल से गुजरना है, तब जाकर के डाइजेशन की बात आती है। इसमें क्या कहा गया है कि बिफोर द कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है ना, बिफोर द कंप्लीट डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है जानकारी के दृष्टिकोण से भी, फूड पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनल, यानी कि हम एलिमेंट्री का जब भी यूज करेंगे तो कैनल के साथ यूज करेंगे। चलिए, तो हमारा ये पहला वर्ड एलिमेंट्री था। चलिए हम लोग सेकंड वर्ड की ओर मूव करते हैं, एस्ट्रिंजेंट। देखिए, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच एस्ट्रिंजेंट एक नाउन है, ठीक है ना। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रक्त के प्रवाह को रोक देता है ना, ब्लीडिंग को रोक देने वाला जो चीज होता है वो एस्ट्रिंजेंट कहलाता है, मेडिकल लैंग्वेज में इसको एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, है ना। रक्त स्राव को रोकने वाला, शुद्ध अगर हिंदी कहा जाए तो इसका एक हिंदी होता है स्तंभक। स्तंभक क्या होता है, जो कि ब्लीडिंग को रोक दे, कोई भी चीज ऐसा हो सकता है। हम एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। कुछ क्रीम का प्रयोग स्तंभक के रूप में किया जाता है, बाजार में कुछ ऐसे क्रीम मिलते हैं जिनको लगाने से या उनको यूज करने से खून का प्रवाह बंद हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम बोरो प्लस के बारे में बात करते हैं। बोरो प्लस तो हम लोग लगाते हैं मॉइस्चर वगैरह को हटाने के लिए, लेकिन बोरो प्लस का एक और भी काम है कि वो खून के प्रवाह को रोकने में मदद करता है, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ होता है, उसमें एस्ट्रिंजेंट मिला हुआ होता है। जितने भी शेविंग क्रीम है जिसका हम शेविंग क्रीम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सब में एस्ट्रिंजेंट मिला हुआ होता है जो कि खून के प्रवाह को रोक देता है। तो कह रहे क्या कि कुछ क्रीम का प्रयोग स्तंभक के रूप में किया जाता है, सम क्रीम्स आर यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। ओके, तो एस्ट्रिंजेंट बच्चों ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, पूरे वीडियो देखें, आप शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत किया गया है, काफी समय लगा है। आप अंत तक देखेंगे तो बाद में आपको कुछ अच्छे वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैप्टर का जो एक ढांचा होता है। अब लेसन 1 जो हार्डवीक का हमारा है, तो हो सकता है कि शुरू में बहुत अच्छे वर्ड नहीं मिले हो, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छे वर्ड मिल जाएंगे। तो बीच में ही अगर आप वीडियो को क्विट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो बाकी के जो अच्छे वर्ड्स हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। अब वीडियो शुरू से अंत तक देखें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 3 है हमारा कैविल। कैविल का मतलब क्या होता है, देखिए कैविल पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। पहले हम कैविल का पहले कैटेगरी समझते हैं, हर वर्ड के कैटेगरी समझना जरूरी है, बिना कैटेगरी का पढ़ाई जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, कैविल वर्ब है, ये क्या लिखा है, एट, अबाउट, ओवर क्या लिखा है, यानी कि कैविल के साथ प्रीपोजिशंस ये यूज में आएंगे, कैविल एट, चाहे कैविल अबाउट या कैविल ओवर, ठीक है ना, जरूरत के हिसाब से हम इसमें किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये प्रीपोजिशन है जो कैविल के साथ इस्तेमाल होता है।
चलिए, कैविल का मतलब क्या होता है? शिकायत करना मामूली चीजों को लेकर के। अगर आप कोई बेकार की चीजों को लेकर के, महत्वहीन चीजों को लेकर के शिकायत करते हैं, बकझक करते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो आप कैविल करते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? कंप्लेन, तो आप सब सब जानते हैं, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। चलिए, कार्प मतलब शिकायत करना, और आपके लिए एक नया वर्ड क्विबल, क्विबल का भी अर्थ होता है शिकायत करना मामूली चीजों को लेकर के। चलिए, सेंटेंस के माध्यम से इसे समझा जाए। ग्राहक ने कीमत को लेकर बकझक किया, मतलब शिकायत किया, बड़बड़ाया, हमको ऐसे कहना है। एक कस्टमर कैविल एट द प्राइस, हम यहाँ पर अबाउट भी लिख सकते थे, कैविल एट के जगह पर कैविल ओवर भी हो सकता था। चलिए, तो अपने यूज करने की बात है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ तीन प्रीपोजिशन है, कैविल एट, कैविल ओवर, कैविल अबाउट, हमको जो सूट करे, जो हमको अच्छा लगे, हम उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, एक दूसरा सेंटेंस भी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा इरादा शिकायत करने का नहीं है। कोई व्यक्ति कह रहा है क्या, मेरा इरादा शिकायत करने का नहीं है, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकता है? आई डोंट इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा करना, इंटेंड का मतलब क्या होता है? इरादा करना। तो आप यहां से कह सकते हैं कि आई डोंट इंटेंड टू कैविल, ठीक है। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग फोर की ओर आते हैं। चलिए, वर्ड है क्या? कॉन्टिग्यूअस, इसको पढ़ाएंगे, कॉन्टिग्यूअस। देखिए, यदि कोई चीज किसी के कॉन्टिग्यूअस है, यानी कि या तो उसे सट गया है या तो उसके करीब में है, मतलब इसमें दोनों अर्थ निकलता है, सटा हुआ भी और नजदीक भी। यदि कोई चीज किसी के कॉन्टिग्यूअस है, या तो वो सट गया है या तो उसके नजदीक में है। चलिए, प्रीपोजिशन अपने साथ ये या तो टू लेगा या तो विथ लेगा, अब आपको जैसा जरूरत है वैसे आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए, कंटिग्यूअस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, बॉर्डरिंग, है ना, ये सब का मतलब होता है नजदीक में, सटा हुआ। चलिए, इसका हिंदी होगा सटा हुआ, नजदीक। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका एंटो क्या होगा? डिस्टेंट, यदि कोई चीज डिस्टेंट पर है, यानी कि वह दूर पर स्थित है। चलिए, एक सेंटेंस के माध्यम से हम कंटिग्यूअस को समझें। करे कि सीटी स्कैन से पता चला है कि लीवर, जो लीवर हमारा है, के समीप एक घाव है, है ना, एक सीटी स्कैन हुआ है तो पता चला है कि लीवर के समीप, मतलब एकदम नजदीक में है, लीवर के नजदीक एक घाव है। चलिए, सीटी स्कैन, इसको किस तरह से बताया गया है? सीटी स्कैन रिवील्स, यानी कि सीटी स्कैन इस बात को खोलता है, क्या? एलेसन, लीजन, है ना, इसको लीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि एक लीजन है, घाव है, और कंटिग्यूअस टू द, यहाँ पर हम विथ के जगह पर, टू के जगह पर, हम यहाँ पर विथ का भी यूज कर सकते हैं, है ना, कंटिग्यूअस विद द लीवर या कंटिग्यूअस टू द लीवर। एक बार बात को फिर से करें, क्या? सीटी स्कैन से पता चला है लीवर के समीप एक घाव है, ठीक है ना, लीवर के समीप एक घाव है। चलिए, इसको कैसे बनेगा? सीटी स्कैन रिवील्स, सीटी स्कैन रिवील करता है, है ना, क्या रिवील करता है? लीजन कंटिग्यूअस टू द लीवर, कि एक लीजन है, एक घाव है, ना, और वो लीवर के नजदीक में है। चलिए, वर्ड नंबर फाइव हमारा है डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब होता है ढा देना, किसी चीज को ढा देना, ठीक है ना, बिल्डिंग को ढा देने के लिए, है ना, डिमोलिशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या है? डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेशन, या हम एक और लिख सकते हैं पुलिंग डाउन, इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा पुलिंग डाउन, गिरा देना। देखिए, डिमोलिशन, बच्चों डिमोलिशन से ज्यादा यूज होता है वर्ब डिमोलिश का, डिमोलिशन का यूज कम है और डिमोलिश का यूज ज्यादा है, इसलिए इसको अलग से वर्ब के रूप में भी दिखाया गया है। डिमोलिशन का मतलब होता है ना नष्ट या समाप्ति किसी भवन का। इसका एंटो क्या होगा? डिमोलिशन का एंटो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण, जाहिर सी बात है कि नष्ट का निर्माण होगा, लेकिन डिमोलिशन से ज्यादा बेहतर वर्ड है डिमोलिश। अगर आप किसी चीज को डिमोलिश करते हैं, आप उसको ढा देते हैं, कोई भवन, भवन जैसा कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉक डाउन, पुल डाउन, इसका साइन हो जाएगा। पुल डाउन का भी बहुत ज्यादा पेपर वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है ढा देना, गिरा देना। तो वर्ब का एंटो वर्ब के रूप में होना चाहिए, तो इसका एंटो क्या होगा? कंस्ट्रक्ट। अगर आप कुछ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, इसका एक और एंटो हो जाएगा बिल्ड, है ना, कंस्ट्रक्ट के अलावा एक और एंटो हो जाएगा बिल्ड, अगर आप किसी को बिल्ड करते तो बनाते हैं। चलिए, ये तो बात रही डिमोलिश की। डिमोलिश हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि द इलीगल बिल्डिंग वाज डिमोलिश्ड, ठीक है ना, अवैध भवन को गिरा दिया गया। चलिए, यहां से एक और सेंटेंस देख लिया जाए, डिमोलिश का यूज कैसे करेंगे? अवैध भवन को गिरा दिया गया, वाज डिमोलिश्ड। चलिए, तो हमारा ये डिमोलिश का यूज हम कैसे करेंगे ये दिखाया गया है। आगे बात को लेके चला जाए। चलिए, एग्जुबिरेंट, एग्जुबिरेंट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न चित्त। यदि कोई व्यक्ति अगर एग्जुबिरेंट है, यानी कि उसमें लग रहा है कि जोश से भरा हुआ है, एकदम चेहरे से प्रसन्न दिख रहा है, ठीक है ना, एग्जुबिरेंट एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है।
चलिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उल्लासपूर्ण जानदार, है ना, लग रहा है कि उसमें जान है, ठीक है ना, प्रसन्न चित, एकदम चेहरे पर ना चेहरा खिला हुआ है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इबुलियंट, एक्साइटेड, चीयरफुल, एकदम प्रसन्न चित है ये, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्लूमी, उदास, दुखी। चलिए देखते हैं, एक्सुबेरेंट पर्सनालिटी, एक व्यक्ति होता है ना जो प्रसन्न चित रहता है, है ना, एक इमेजिनेशन, हमारे एक प्रसन्न करने वाला इमेजिनेशन, एक्सुबेरेंट इमेजिनेशन, कोई इंटरटेनर है ना, एकदम प्रसन्न रहता है और इंटरटेन लोगों को करता है, हंसा हंसा के इंटरटेन करता है, तो वो कहलाएगा एक्सुबेरेंट इंटरटेनर। चलिए एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, सी गेव एन एक्सुबेरेंट परफॉर्मेंस, उसने एक जानदार प्रदर्शन दिया, एक जानदार प्रदर्शन किया, ठीक है ना। एक्सुबेरेंट का मतलब जानदार होगा, लग रहा है लाइवली, अगर इसको अगर तोड़ के अगर लिखा जाए तो हम इसको लाइवली कह सकते हैं, लाइवली परफॉर्मेंस किया, मतलब बोरियत नहीं था, कहने का मतलब है कि चीज बोरियत से भरा नहीं था। चलिए हम लोग आगे आते हैं, फेटिस, वर्ड नंबर 7 में हम लोग है फेटिस। फेटिस एक नाउन है। फेटिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहना, लगातार उसके बारे में ख्याल करते रहना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फिक्सेशन, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन जबरदस्त वर्ड है, ऑब्सेशन का मतलब मगन, मगन, है ना, अगर आप किसी में मगन है मतलब उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं तो आप उसके प्रति ऑब्सेशन रखते हैं, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचते रहना, है ना, या ध्यान देते रहना, ये ध्यान, आप इसको ध्यान पढ़े। इसका वर्ब कैसे बनेगा, फेटिस तो नाउन है, वर्ब बनेगा मेक फेटिस, लगातार सोचते रहना। एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझें, देखिए कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा ख्याल करते हैं, हमेशा स्वास्थ्य के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अर्थात भी अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, इसको कैसे बनेगा, सम पीपल मेक फेटिस मतलब ध्यान देना, सोचते रहना, सम पीपल अच्छा ख्याल करते रहते हैं तो मेक फेटिस ऑफ देयर हेल्थ, ठीक है ना, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। चलिए ये तो फेटिस हुआ। चलिए हमारा अगला वर्ड है फ्रूइशन। फ्रूइशन का मतलब क्या होता है, प्राप्ति, पूर्णता, कोई चीज का पूर्ण हो जाने की अवस्था जो होती है ना वो फ्रूइशन कहलाती है, पूर्ण होने की अवस्था, आप इसको सरल भाषा में समझिए, पूर्ण होने की अवस्था को फ्रूइशन कहते हैं, ठीक है ना, पूर्ण होने की अवस्था को फ्रूइशन कहते हैं। चलिए लेकिन इसका यूज होता है भर्त के रूप में, है ना, कम टू फ्रूइशन मतलब सफल होना या पूर्ण होना, और ब्रिंग टू फ्रूइशन मतलब प्राप्त करना, देखिए दोनों एक ही अर्थ है लेकिन थोड़े थोड़े अंतर है। फ्रूइशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कम टू के साथ आ चाहे ब्रिंग टू के साथ, है ना, अगर कम टू फ्रूइशन लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, सफल होना या कोई चीज का पूर्ण होना। ब्रिंग टू फ्रूइशन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। अब आप इसको इस सेंटेंस से समझे, वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सका, चलिए तो आप देख रहे हैं पूर्ण होना, आप ऐसा समझिए सफल होना, तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए सपने को कभी पूरा नहीं कर सके यानी कि अचीव नहीं कर सका, सपने को ना देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्राप्त करना, सपने को कभी प्राप्त नहीं कर सका, वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सका मतलब कभी प्राप्त नहीं कर सका, प्राप्त नहीं कर सका। चलिए वो अपने सपने को कभी प्राप्त नहीं कर सका, कैसे लिखेंगे, ही वॉज नेवर एबल टू ब्रिंग हर ड्रीम्स टू, देखिए यहां ब्रिंग टू है, ब्रिंग टू फ्रूइशन, है ना, ही वॉज नेवर एबल टू, है ना, सॉरी यहां पर हीज होना चाहिए, एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए, चलिए हीज होना चाहिए। चलिए अभी हमारा पूरा सेंटेंस किस प्रकार से जा रहा है, चलिए इसको एक बार देखा जाए, ही वॉज नेवर एबल टू ब्रिंग, है ना, हिज ड्रीम टू फ्रूइशन, कभी भी अपने ड्रीम को ना वो मतलब कि सफल नहीं कर सका, चलिए अंततः उसका योजना सफल हो गया। चलिए सफल होने के लिए क्या वर्ड है, कम टू फ्रूइशन, अंततः उसका योजना सफल हो गया, फाइनली हिज प्लान केम टू फ्रूइशन। तो फ्रूइशन बच्चों कैसे इस्तेमाल होता है, या तो कम टू फ्रूइशन या तो ब्रिंग टू फ्रूइशन, यही दो स्ट्रक्चर फ्रेज में हम फ्रूइशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात को आगे देखा जाए, करके इम्पेल, इम्पेल वर्ब है और प्रीपोजिशन जरूरत पड़ने पर अपने साथ ऑन लेगा, इम्पेल ऑन, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इम्पेल ऑन। इम्पेल ऑन का मतलब क्या होता है, अपने शरीर के किसी अंग में ना पूरा छेद कर लेना, किसी ऑब्जेक्ट से किसी वस्तु से पूरा छेदवा लेना, भोकवा लेना, आप इसको ऐसे समझिए, तो भुकवाना छिदवाना ये जो चीज होता है ना वो इम्पेल होता है। प्रीपोजिशन जरूरत पड़ने पर अपने साथ ऑन लेगा। चलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, पियर्स या मेक होल, छेद करवाना, ठीक है ना, अंग में, चलिए शरीर के किसी भाग में छेद कर लेना, इसका हिंदी ये हुआ। चलिए वो फिसला, एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश किया जाए, वो फिसला और अपने पैर में कोई नुकीली चीज को धंसा लिया, आप छेद हो गया पूरा पैर में आर पार कर गया वो, है ना, वो नुकीला चीज है ना पूरे पैर में आर पार कर गया। चलिए He slipped, वो फिसला, and impaled his leg,
ऑन ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ना, इम्पेल अपने साथ त्रिपोजिशन क्या लेता है, ऑन लेता है। तो अपने शरीर के अंदर, अपने पैर के अंदर उसने एक ना नुकीला चीज को धंसवा लिया, चुभो लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन एलिनेबल, इसको पढ़ेंगे। इन एलिनेबल, इन एलिनेबल का मतलब क्या होता है, जिसे छीना ना जा सके। यदि कोई चीज यदि इन एलिनेबल है तो उसको आप छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स, बहुत अच्छे सिनोनिम्स है, इनवायोलेबल, जिसे छीना ना जा सके, ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसे छीना ना जा सके, विशेष तौर पर हमारे अधिकार, जिसे छीना ना जा सके, ठीक है ना। तो ये विशेष तौर पर हमारा अधिकार ऐसा होता है। चलिए इनएलिनेबल का साइनो क्या होगा, इनवायोलेबल, अनट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं कि आप एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं होगा। और इम्पॉसिबल टू टेक अवे, जिसे लिया ना जा सके, अभिन्न है ना, विशेष तौर पर कोई अधिकार जिसे हम छीन नहीं सकते हैं। चलिए कह रहा है क्या, एक सेंटेंस, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिन्न अधिकार प्रदान करता है, यानी कि वैसा अधिकार जिसे कोई ले ना सके, जिसे कोई छीन ना सके। चलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए हमारा संविधान, चलिए प्रत्येक नागरिक को अभिन्न अधिकार प्रदान करता है, ग्रांट्स प्रदान करता है एवरी सिटीजन, और क्या प्रदान करता है, इनवायोलेबल राइट्स, या हम इसको लिख सकते हैं इनएलिनेबल राइट्स, इनवायोलेबल राइट्स भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इनएलिनेबल राइट्स, दोनों लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो हर प्रकार के एग्जाम्स जो कि हाई लेवल के एग्जाम्स है, जैसे कि बैंक पीओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, मैनेजमेंट में एमबीए हो गया, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये जबरदस्त ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये सारे जो वर्ड है वो यूज के वर्ड हैं, और आपको डेली लाइफ में भी ये सारे वर्ड्स काफी हेल्प करने वाले हैं। चलिए आगे देखा जाए, इनकर्सन, इनकर्सन नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, इनकर्सन एक नाउन है, इनकर्सन का मतलब होता है हमला, ठीक है ना। इसका साइनो क्या हो जाएगा, अटैक, इन्वेशन, Assault, ये invasion भी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब हमला। चलिए अब इसका एंटो का रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है कदम पीछे करना, कदम पीछे लेना, ठीक है ना। अगर आप हारते हैं तो आप रिट्रीट होते हैं, रिट्रीट का मतलब होता है वापसी होना, कदम पीछे लेने ला, चलिए मतलब एक तरह से हारना। चलिए अब इसका क्या कर रहा है ना, देखिए ये है हमला, और हमला करना, हमको भर बनाना है, तो भर बनाने के लिए इसमें क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे, है ना। इनकर्सन के साथ क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे, और इनकर्सन के साथ प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होता है, तो इनटू, इनकर्सन इनटू। चलिए पर है क्या, भारत पर सबसे पहले हमला करने वाले ईरानी थे, ईरानी को माना जाता है कि भारत पर सबसे पहले जो हमला हुआ था वो ईरानी के द्वारा हुआ था। कैसे लिखा गया है, द ईरानियंस वेयर द फर्स्ट टू मेक इनकर्सन, देखिए हमला करना, ठीक है ना, हमला करना यहाँ पर है, और मेक इनकर्सन हमला करना, प्रीपोजिशन अपने साथ इनटू लेता है, तो यहाँ इनटू का इस्तेमाल किया गया है, इनटू इंडिया, The Iranians were the first to make incursions into India. आगे बढ़ते luminary. देखिए luminary का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति luminary है तो बहुत ही famous व्यक्ति है, थोड़ा प्रेरणा हमें देता है, ठीक है ना, लोग उसे प्रेरणा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रेरणा स्रोत या प्रकाश पुंज आप ऐसे समझिए सरल भाषा में, लीडिंग लाइट, इंस्पिरेशन या वेरी फेमस पर्सन को हम luminary कहते हैं। इसका एक और साइन हो जाएगा सेलिब्रिटी, इसका एक और साइन हो जाएगा सेलिब्रिटी, ठीक है ना, हाँ ध्यान दिया जाए, इसका एक और साइन हो जाएगा सेलिब्रिटी। आइए अब इसका एंटो क्या होगा, नो बॉडी, प्लेब है ना, साधारण व्यक्ति, ना चीज, जिसका कोई महत्व तो नहीं है ना, प्लेब किसको कहते हैं, जिसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई पूछी नहीं है, ठीक है ना। वो नो बॉडी भी नाउन की तरह काम करता है, नो बॉडी हालांकि प्रोनाउन तो है लेकिन ये नाउन भी है, नो बॉडी का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, नाचीज व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसका कोई पूछ नहीं है। चलिए एक वाक्य से इसे समझा जाए ल्यूमिनरी को, बीथोवेन संगीत की दुनिया के प्रेरणा स्रोतों में से एक थे, यानी कि जितने भी संगीत के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत हैं या थे उसमें बीथोवेन भी एक थे। चलिए बीथोवेन वाज वन ऑफ द ल्यूमिनरीज ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह बीथोवेन जो थे वो संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह। चलिए आगे बात को देखा जाए, मैग्नानिमस, इसको पढ़ेंगे मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, उदार है ना, उदार, लेकिन किसके, शत्रु के प्रति, अगर आप उदारता दिखलाते अपने दुश्मन के प्रति तो आप कौन से व्यक्ति हैं, आप मैग्नानिमस हैं, है ना, आप मैग्नानिमस हैं, इसका मतलब है कि आप शत्रु के प्रति दया का भाव रखते हैं, उदार का भाव रखते हैं। चलिए साइनो क्या होगा, जेनरस उदार, बेनिवोलेंट उदार, बिग हार्टेड बड़ा दिल वाला, लेकिन किसके प्रति, शत्रु के प्रति। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, मीन स्पिरिटेड, नीच किस्म के व्यक्ति को ना मीन स्पिरिटेड कहते हैं, हम कह सकते हैं नीच किस्म का व्यक्ति को ना मीन स्पिरिटेड कहेंगे।
निच किस्म का अनाज, चाहे सेल्फिश मतलब स्वार्थी, चलिए जो अपना सिर्फ देखिए, चलिए एक वाक्य से इसको समझा जाए मैग्नानिमस को, कि मैग्नानिमस का यूज कैसे हुआ है। द टीम वाज मैग्नानिमस इन विक्ट्री। कभी कभी देखिए टीम जब जीतती है तो अहंकारी भी हो जाती है ना, और वो हारी हुई टीम के साथ बदसलूकी भी करती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या द टीम वाज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीत में भी उसने अपने विरोधी दल के साथ बड़ी मतलब कि जेनरस, मतलब जेनरस व्यवहार किया, बहुत बेनिवोलेंट व्यवहार किया, बहुत उदार व्यवहार किया, ठीक है ना। अर्थात टीम ने हारे हुए दल के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया, ठीक है ना, इसको कहते हैं मैग्नानिमस, जो अपने शत्रु के प्रति भी उदार हो। चलिए आगे बढ़ा जाए, पराय, देखिए हमारा अगला वर्ड है पराय। पराय का मतलब क्या होता है ना, इसको अछूत कहिए सिंपल भाषा में, वो भाषा जो समझ में आ जाए, तो इसका राइट हिंदी अछूत। अवांछित व्यक्ति, त्यागा हुआ है ना, इसको सबका अंग्रेजी पराय। चलिए इसका साइन हो क्या होगा, आउटकास्ट है ना, जिसको फेंक दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है। चलिए पर्सोना नॉन ग्राटा, पर्सोना नॉन ग्राटा का भी अर्थ यही होता है, अवांछित व्यक्ति जिसका कहीं पर कोई वेलकम नहीं करता है, कोई नहीं चाहता कि ये व्यक्ति हमारे ग्रुप में आए। चलिए या अनटचेबल अछूत, चलिए एक सेंटेंस इसे समझा जाए, वो मेरे साथ अछूत की भांति व्यवहार किया, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो मेरे साथ अछूत की भांति व्यवहार किया। चलिए ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, लाइक पराय, पराय की भांति। तो बच्चों ये काफी और काफी इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते पिटांस, पिटांस नाउन है, पिटांस नाउन है, बहुत छोटे से पैसे, बहुत छोटी सी राशि को ना पिटांस कहा जाता है, बहुत मामूली पैसे को ना पिटांस कहते हैं। पिटांस का मतलब होता है मामूली पैसा, आप ऐसे मामूली पैसे को ना पिटांस कहते हैं। चलिए टीनी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, इसका साइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मामूली सी पैसे के लिए उसकी हत्या कर दी गई, एक पैसा जैसा पैसा नहीं था, मामूली से पैसा था और मामूली सी पैसा के लिए उसकी हत्या कर दी गई, हमको सेंटेंस बनाना है। चलिए कैसे लिखेंगे, ही वॉज मर्डर्ड, उसकी हत्या कर दी गई, किस बात के लिए, फॉर ए पिटांस, मामूली सी पैसे के लिए। चलिए आगे देखा जाए, करे कि दे आर वर्किंग ऑल डे, है ना, वे लोग दिन भर काम कर रहे हैं, है ना, ऑल डे काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए, फॉर ए पिटांस, मामूली सी पैसा के लिए, लोग मामूली से पैसा के लिए दिन भर काम करते जा रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए, रेस्टिव, रेस्टिव एडजेक्टिव है, रेस्टिव का मतलब क्या होता है, बेचैन, बेताब, व्याकुल, है ना, आप व्याकुल हो रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने वेट कर लिया है, अब आपसे रहा नहीं जाता है, तो ये अवस्था रेस्टिव की अवस्था है, ठीक है। रेस्टिव का साइन होगा रेस्टलेस, ऑन एज एजी, इसका एंटो क्या होगा, काम शांत। जैसे एरेस्टिव ऑडियंस, अब मान लीजिए कि कोई चीज हम सुनने के लिए बैठे हैं और सामने वाला भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी जो चीज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, मन करता है कूद के भाग जाए, अब बेचैनी घेर लिया है, अब हम किस तरह के दर्शक हैं, तो हम एक रेस्टिव ऑडियंस है, बेताब, बेचैन, व्याकुल। चलिए द ऑडियंस ग्रीव रेस्टिव, और इसी प्रकार के जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं ना, वो बेचैन हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रेस्टिव बहुत बढ़िया वर्ड है। आगे बात को लेकर चला जाए टॉरपीड, टॉरपीड का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज टॉरपीड है तो आलसी है, सुस्त है ना, सुस्त है वो, है ना, वो आगे हिल डुल नहीं रहा है। चलिए साइन हो जाएगा लेथार्जिक, इंडोलेंट, स्लगिश, ये तीनों के तीनों ना बहुत अच्छे वर्ड्स है, लेथार्जिक है ना सुस्त, इंडोलेंट मतलब सुस्त, और स्लगिश मतलब ये धीमा या सुस्त। चलिए इसका एंटो हो जाएगा लाइवली, एक्टिव, जीवंत, सक्रिय, यदि कोई व्यक्ति अगर लाइवली है तो लग रहा है कि उसमें जान है ना, एक्टिव है वो, सक्रिय है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, वह बिस्तर पर सुस्त लेटा रहा है, लग रहा है कि एकदम जैसे है तैसे पड़ गया है, ठीक है। तो ही ले, लेटने के लिए लाई, लाई का जो V2 हो जाएगा वो ले हो जाएगा, ही ले टॉर्पिड ऑन द बेड, वो बेड पर ना सुस्त लेटा रहा। चलिए मंदी ने अर्थव्यवस्था को सुस्त अवस्था में धकेल दिया है, मंदी ने अर्थव्यवस्था को सुस्त अवस्था में, अब इकोनॉमी स्लो हो गया है। चलिए रिसेशन, मंदी के लिए क्या वर्ड है, रिसेशन है, हैज पुश्ड इकोनॉमी, पुश मतलब ढकेलना, पुश का मतलब होता है ढकेलना। चलिए तो इकोनॉमी को रिसेशन ने पुश कर दिया, कहां तक, टॉर्पिड स्टेट, है ना, एकदम मंद अवस्था में, एकदम सुस्त अवस्था में उसको डाल दिया है। चलिए बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 17 वर्ड्स किए, ये वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे सभी तरह के एग्जाम्स के लिए। आज की बात बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।